भविष्य में चूंकि आपका गठबंधन होना है अखिलेश जी से आपकी पार्टी का, देखिए मेरा तो विषय नहीं है गठबंधन। लोगों ने बकरी के बच्चों को अब की बार नकार दिया है। लोग कह रहे शेर का बच्चा एक ही काफी है, अमित जानी को देंगे और अमित जानी को चुनाव जिताएंगे। अब मुद्दों पर अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी आलोचना करना जिंदा व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि जो तटस्थ है समय उसका भी अपराध दिखेगा। तो आप निर्दलीय भी वहां से लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय क्यों, जब भी कोई विधानसभा में प्रत्याशी जाता है भाजपा वाला जाएगा तो अखिलेश जी की, मुलायम सिंह जी की, मायावती जी की बुराई करेगा। सपा वाला जाएगा तो योगी जी की, मोदी जी की बुराई करेगा। नेता बुराई करता है, जनता ताली बजाती है। मैंने पहले दिन जब विधानसभा में कदम रखा था तो मैंने कहा था कि मैं अपने नेता की प्रशंसा नहीं करूंगा और मोदी जी की, योगी जी की आलोचना नहीं करूंगा। तो सिराज खास विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नौजवान को स्वरोजगार देंगे, नौकरी देंगे, काम देंगे, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। तो सरकार चाहे अखिलेश यादव जी बनाए चाहे योगी जी बनाए, हम अगर MLA बनेंगे तो हम काम सिवाल के योगी जी से भी करा के ला सकते हैं और अखिलेश जी से भी करा के ला सकते हैं, और मायावती जी बन गई उनसे भी करा के ला सकते हैं। तो ऐसी चाबी चाहिए सिवाल के लोगों को जो तीनों तालों में लग जाए। चुनाव पास है, उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे ही गर्म है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के युजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और हमने जितना आपका कार्य प्रणाली के बारे में देखा, R&D किया, सोशल मीडिया की हेल्प ली, तो मैंने ये देखा कि आप एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपने इसकी शुरुआत सिवाल खास विधानसभा से कर भी दी है। उत्तर प्रदेश में जितने भी पॉलिटिकल लोग चुनाव मैदान में जाते हैं तो जनता के बीच में सबसे पहले ये कहते हैं कि मेरे को चुनाव जिता दो तो मैं ये करूंगा, मेरे को चुनाव जिता दो तो मैं वो करूंगा। मैंने अपने क्षेत्र में शुरुआत की कि लोग मुझे बताएं कि अभी क्या करना है, चुनाव के बाद क्या करूंगा, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो बताऊंगा ही नहीं, लेकिन चुनाव से पहले जो लाखों काम हैं आपके वो आप मुझसे करा सकते हो। मुझे अक्टूबर 2020 से लेके और ये जुलाई 2021 तक सिवाल के क्षेत्र के लोगों ने हजारों काम बताए हैं जो मैंने उनके पहले ही निपटा दिए। मैंने कहा आप मुझसे वादा मत लीजिए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कोई प्रलोभन नहीं देना चाहता आपको, आप मुझे काम बताते रहिए, आप काम बताते बताते थक जाएंगे, आपका काम विधायक बनने से पहले ही हो जाएगा। लोगों ने कहा अस्पतालों के बिल बहुत ज्यादा है, तो मैंने शिवपाल सिंह यादव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अमित जानी नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ रुपए की जमीन वहां परचेज कर दी। अब वहां पे वो बनना शुरू हो जाएगा, 24 तारीख को उसका उद्घाटन करने माननीय शिवपाल सिंह यादव जी शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। तो लोग मुझे काम बताते रहे, मैं लोगों को काम करता रहा। मैं वादा नहीं करना चाहता, लोगों को रिजल्ट देना चाहता, क्विक रिजल्ट। जिन लोगों को एक्सीडेंट में दुर्घटना का शिकार होकर जीवन से हाथ धोना पड़ा, उनके परिजनों को जाकर भी मैंने 50,000 रुपया मुआवजा देने का काम किया। 2 से 2.5 करोड़ रुपया मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को मुआवजा दिया। हालांकि वो काम सरकार का था, जब कोई सड़क दुर्घटना में मारा जाता है तो उसके परिजनों को सांत्वना और मुआवजा दोनों चीज सरकार का काम है देना, लेकिन वो भी मैंने किया। बच्चों की पढ़ाई से लेके, स्कूल की किताब से लेके, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने से लेकर के और हॉस्पिटल्स में दवाई पहुंचाना, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, ट्रैक बनवाना और भी तमाम बातें हैं, मैं गिना नहीं सकता। बात की जाए जानी फाउंडेशन की तो इसका क्या महत्व है और क्या एम है इनका भविष्य में? अभी जानी फाउंडेशन मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अभी तक मैं जितना भी काम कर रहा था अपनी जेब से कर रहा था, जो मेरी जानी इंडस्ट्री है, जानी मैन्युफैक्चरर्स है, जानी कॉर्पोरेट है, जानी ग्रुप्स की जितनी कंपनियां हैं उनके जो करंट अकाउंट्स हैं या अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट है मेरा, तो उससे मैं पर्सनल मदद कर रहा था। मुझे बड़ी तकलीफ आ रही थी क्योंकि मदद मैं कर रहा था और चिढ़ रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान भाजपा के विधायक, तो शिकायतें करने लगे कि साहब ये पैसा कहाँ से आता है या बिजनेस का पैसा आप किस तरह से डोनेट कर सकते हैं, तमाम तरह की टेक्निकल चीजों फंसा के मुझे परेशान करना चाहते थे। और फिर बड़ी मदद करने के लिए मुझे लोगों से ही पैसा चाहिए था, तो मैं अपने निजी खातों में अपने जो देश और दुनिया में मेरे तमाम दोस्त हैं उनसे किस प्रकार से पैसा अनुदान में ले सकता था, तो मैंने उसके लिए अमित जानी फाउंडेशन का गठन किया। अमित जानी फाउंडेशन के द्वारा अब मैंने 134 विधान जो गांव है हमारे विधानसभा में उन सब गांवों में 100-100 लोगों की कमेटी बनानी शुरू कर दी, यानी एक गांव में 100 लोगों की कमेटी है। 100 लोगों की कमेटी वो ग्राम सदन है,
जो 100 लोग हमारी ग्राम सदन के मेंबर होंगे यानी कि फाउंडेशन के मेंबर होंगे, उनके कहने से अब हम गांव के विकास कार्य करेंगे। यानी अब तक जो काम प्रधान करता था, प्रमुख करता था, विधायक करता था, सांसद करता था, अब वो काम क्षेत्र में विकास का अमित जानी फाउंडेशन करेगी। सरकारी संस्थानों की मदद की है, जैसे पुलिस चौकी नहीं बन रही थी, बताओ पुलिस चौकी बनना सरकार का काम है? हमने कहा कोई नहीं, सरकार के पास हो सकता पैसे ना हो, गोरखपुर में ज्यादा लग गए हो गोरखपुर महोत्सव में, तो हमने वहां चौकी के लिए भी पैसे दिए। सिवाल में सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल, वो गवर्नमेंट का स्कूल है और उसकी स्लेट का, उसके ब्लैक बोर्ड का, उसकी दरी का इंतजाम करना गवर्नमेंट का काम है। उन्होंने हमसे कहा कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। सिवाल हाई स्कूल को भी हमने 50,000 की डोनेशन दी। प्याऊ लगवाना नगर पंचायत का काम है, ग्राम पंचायत का काम है जी। उनका जिम्मा है ये कि वो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कोरोना जैसी महामारी में जब बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई पानी के बिना ना रहे तो पानी की व्यवस्था करे, लेकिन आंखों में ही पानी नहीं बचा सरकार की, तो क्षेत्र के लोग क्या पिलाएंगे। कई बार मैंने आपकी सोशल तो मैंने वहां पे अपनी जेब से 50-60 लाख रुपए लगा के वाटर कूलर लगवाए, मैं काम करने लगा हूँ, इसलिए लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी है। भविष्य में चूंकि आपका गठबंधन होना है अखिलेश जी से, आपकी पार्टी का, या अलग लड़ना है, ये सब चीजें भी तय नहीं हो पाई है, तो एक ये मान के चलना की सिवाल खास विधानसभा किस गठबंधन के खाते में जाएगी या कौन लड़ेगा, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपने, आपको लगता नहीं बहुत पहले से आपने तैयारी शुरू कर दी? देखिए मेरा तो विषय नहीं है गठबंधन, हमारे नेता है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, वो जिससे मर्जी गठबंधन करें, हमें तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ना है। अब हमें लोगों को, और लोगों ने भी ये तय कर लिया कि अब वो पार्टी नहीं देखेंगे। जैसे पहले आप कहीं भी जाइए पूरे प्रदेश में तो लोग कहते हैं कि हम फला पार्टी को वोट देंगे, हम सपाई हैं, बसपाई हैं, कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, लोकदल वाले हैं, तो हम फला पार्टी को वोट देंगे। लेकिन सिवाल की जनता कहती है कि अमित जानी जिस पार्टी से आएंगे अमित जानी को वोट देंगे, निर्दलीय आएंगे तो हम अमित जानी को वोट देंगे। क्या ये मान के चले कि 1% मानिए अगर बंटवारे में सीट सिवाल खास की डिस्टर्ब हो जाती है, आपके आपके खेमे में नहीं आती, आपकी झोली में नहीं आती है, तो आप निर्दलीय भी वहां से लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय क्यों, अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हम शिवपाल जी के सानिध्य में चुनाव लड़ेंगे। अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आती है तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, या तो अर्जुन की तरह द्रोणाचार्य के से धनुर्विद्या सीखेंगे, या एकलव्य की तरह सीखेंगे, चुनाव तो हम लड़ेंगे। सिवाल सीट हम लड़ेंगे, गठबंधन में सीट किसके लिए जाएगी किसके लिए नहीं जाएगी ये लखनऊ में तय होगा, लेकिन सिवाल की जनता तय कर चुकी है कि उनका MLA इस बार कौन होगा। मैं किसी पार्टी से, किसी टिकट से कोई भी व्यक्ति जाए, उस बात से मुझे जरा भी किंचित भी भय नहीं है, क्योंकि जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि हमारा चाहे जो चुनाव चिन्ह हो, चाहे जो झंडा हो, इस बार वो कह रहे हम क्यों पार्टी चुने। लोगों को डराया जाता है, मुसलमानों को, कि भाई भाजपा आ जाएगी, भाजपा को हराना है, अखिलेश को CM बनाना है, इसलिए समाजवादी पार्टी को जिताना है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी पिछली बार आए थे, हमने अखिलेश जी को ही वोट दिया था, लेकिन ये बीजेपी का MLA जीत गया, अब उनके 47 विधायक आए, अगर ये भी जीत जाता तो 48 हो जाते, तो 48 से तो सरकार नहीं बनती। अब सिवाल क्यों तय करे सरकार किसकी बनेगी, तो पूरा प्रदेश तय करे, सिवाल तो अपना विधायक तय करेगा कि उसको विधायक कौन चाहिए। बात की जाए वैचारिक मतभेद की, तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा हेट रेट आपके सोशल मीडिया पे फैल रहा है भाजपा के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, भगवे के बारे में, इसके बारे में क्या कहें? मैंने आज तक कभी पूरे जीवन काल में पार्टी विशेष पे कभी निशाना नहीं साधा। जब भी कोई विधानसभा में प्रत्याशी जाता है, भाजपा वाला जाएगा तो अखिलेश जी की, मुलायम सिंह जी की, मायावती जी की बुराई करेगा, सपा वाला जाएगा तो योगी जी की, मोदी जी की बुराई करेगा। नेता बुराई करता है, जनता ताली बजाती है। मैंने पहले दिन जब विधानसभा में कदम रखा था तो मैंने कहा था कि मैं अपने नेता की प्रशंसा नहीं करूंगा और मोदी जी की, योगी जी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं किसी नेता की बुराई करूं, आपके दिल को सुकून पहुंचे, आप ताली बजा दें, मैं अपने घर चला जाऊं, उससे आपका क्या फायदा होने वाला है? आलोचना करने में गया ही नहीं हूं और मैंने कोई आलोचना नहीं की। मेरे मुंह से आप एक शब्द भी, कोई बयान मेरा ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें मैंने किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति की आलोचना, हाँ मुद्दों पर अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी आलोचना करना जिंदा व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि जो तटस्थ है समय उसका भी अपराध लिखेगा। लेकिन बाकी मैंने कोई हेट स्पीच आज तक नहीं दी। कुछ वीडियो अगर इधर उधर फैल रहे हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर कट कॉपी पेस्ट स्लाइड्स वो सब बेकार है, फर्जी वनगणन बनाए गए। बात की जाए एम्प्लॉयमेंट की, तो आज का युवा जो है उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है काफी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहा है और काफी डिग्रीज
हासिल करने के बाद, बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी छोटी छोटी नौकरियों के लिए धक्के खाता फिर रहा है, तो आपका क्या प्लान है कि आपके विधानसभा के जो बेरोजगार युवा है, जो नई पीढ़ी है, उनको कैसे रोजगार मिले? हमने सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने 90 दिन तक लगातार गांव-गांव गली गली जाकर पूरी विधानसभा के 134 ग्राम पंचायतों के 150 गांव में लोगों को कहा कि हम आपके रोजगार की व्यवस्था कराते हैं। लोगों को हमने फॉर्म दिए कि आइए आपको हम MNCs और बड़ी बड़ी कंपनियां सबसे जोड़ देते हैं, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। पहली जो कोरोना की लहर आई थी मार्च 2020 में, उससे लोगों के रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, कमर टूट गई थी, रोजगार छिन गए थे। तो हम लोगों ने मार्च अप्रैल इसमें नवंबर दिसंबर और ये 2-3 महीने फॉर्म वगैरह भरवाए। दिसंबर में हमारी रैली थी, माननीय शिवपाल सिंह जी शिवालय, उसे रैली को रोकने का बीजेपी ने प्रयास किया। उसके बाद में जब हमने दिसंबर में उन तमाम लोगों को नोएडा में बुलाया, हजारों लड़के आए नोएडा में और सैकड़ों कंपनियां भी आनी थी, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार के इशारे पर प्रशासन का दुरुपयोग करते हमारे विरुद्ध 2 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और वो कंपनियां भी डर गई। और हम भी चूंकि जब मुकदमे दर्ज हो गए तो हम भी जो है उन लोगों से मिल नहीं सके। पुलिस ने हमारे नोएडा के आवास को छावनी बना दिया, बहुत बदतमीजी आतंकवादियों से सलूक किया। फिर जनवरी फरवरी तक उन मुकदमों को सुलटाया, मार्च अप्रैल में फिर कोरोना ने दस्तक दे दी, फिर मई जून जुलाई में लॉकडाउन लग गया। हम तो चाहते थे 10,000 लड़कों को सिवाल खास में रोजगार देना, लेकिन ये जो माननीय विधायक है, अभी हम अगर सत्ता में आएंगे, ताकत में आएंगे, सरकार चाहे किसी, आप माननीय विधायक बन गए, सरकार आपकी नहीं आई। अगर हम विधायक बनेंगे तो सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नौजवान को स्वरोजगार देंगे, नौकरी देंगे, काम देंगे, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। क्या टारगेट है सर जो अपना? ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं चिड़ियाघर बनाऊंगा, मैं बड़ा स्टेडियम बनाऊंगा। अभी ये जो जितने भी हमारे प्लान्स हैं, ये किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, कब तक कंप्लीट होगा? अब देखिए, जैसे वाटर कूलर लगाने की बात हमने कही जी, तो हमने जो है 40-50 गांव में वाटर कूलर लगवा दिए, कुछ बचे हैं उनमें अभी लग जाएगा, नहीं तो मार्च के बाद जब दूसरा गर्मी का ग्रीष्म काल आएगा तब लग जाएगा। जैसे हमने कहा कि हम स्टेडियम रनिंग ट्रैक बनाएंगे, 4-5 गांव में बनवा दिए। एक व्यक्ति का वीडियो वायरल होता है आस मोहम्मद कुरैसी का, हर्रा कस्बे से, वो कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, यतीम हूँ, और वो अपाइस भी था, उसने कहा कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए, तो हमने उसका घर बनवा दिया। घर बनवाने के लिए शिलान्यास करके पहले ही हमने पत्थर लगा दिया, उसका शिलान्यास कर दिया। अब जब लोगों ने हमसे कहा कि एक आस मोहम्मद कुरैसी का घर बनाने से क्या पूरे सिवाल खास के जो बेघर हैं उनको घर मिल जाएगा, तो हमने तुरंत तत्काल चौधरी देवीलाल आवास योजना शुरू करके ये कहा कि सिवाल खास में जितने बेघर हैं सबकी सूची ला दो, सबके घर बनवा देंगे। दूसरा मामला हमारे पास आया कालंदी गाँव की, ठाकुर धर्मपाल सिंह की विधवा जो है सरोज सोम ठाकुर, सरोज सिंह सोम का, उन्होंने हमने देखा जाके, हमारी टीम गई तो वहां पे झोपड़ी थी जी। बहुत बड़ा राजपूतों गांव है, 24 गांव है, 35,000 राजपूतों की वोट, निश्चित तौर पे बीजेपी को विधायक बनाने में राजपूतों ने अहम भूमिका, महती भूमिका निभाई होगी सिवाल में। तो उसका छप्पर पड़ा हुआ था, तो हमने कहा अम्मा 10 दिन में आपका छप्पर हट जाएगा और आपको एक घर बना के देंगे। हमने एक आलीशान कंटेनर हाउस, बड़ा खूबसूरत है वो, वुडन का फ्लोर है, हमारे घर में वुडन का फ्लोर नहीं है, उसकी वुडन की छत है, हमारे छत जो है सीमेंट की है और उसमें अच्छे पंखे लगे हुए हैं, टॉयलेट बाथरूम किचन वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियां और उसके अंदर की सब कुछ है, पोर्टेबल हाउस है। हमने वहां पोर्टेबल हाउस है, हमने क्रेन से उसको वहां पे रखवा दिया और हमने सूची बनानी शुरू कर दी है सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में। एक क्रेन में एक पोर्टेबल हाउस में लगभग कितना? लगभग 3-4 लाख रुपए खर्चा आता है एक कंटेनर हाउस में। और इस तरह से हमारे पास 200 से ज्यादा की सूची है, हमारे कंटेनर हाउस नोएडा में बन रहे हैं। हम सिवाल खास से जितनी झुग्गियां पड़ी हुई हैं वो सब झुग्गियां हटा देंगे और वहां कंटेनर हाउस रखवा देंगे। हमने एक और योजना का प्रारंभ किया है, शिवपाल सिंह यादव कन्या दान धन योजना, यानी कि जिस गरीब कन्या का विवाह होना है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, सरकार के पास तो योजना ही नहीं है, और योजना है तो उसको लागू कौन करेगा? चूंकि अगर तुम 50,000 रुपए DM साहब से आने हो तो 10,000 तो प्रधान जी खा जाते हैं, 15,000 रुपए सेक्रेटरी खा जाता है, ऊपर से योजना आती है 5 लाख की घर बनाने की, तो उसमें से 15-1.5 लाख ही तो लगता किसी भी मकान में, बाकी तो मंत्री जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, ठेकेदार जी भी हैं। लोग वादे करते हैं सुविधाओं के चुनाव के समय, लेकिन आपने एक अच्छी शुरुआत ये की है कि चुनाव से पहले लोगों को एक ट्रेलर दिखा दिया कि फिल्म कैसी होगी। हमने नीयत दिखाई। देखिए, भगत सिंह के पिता ने जब अजीत सिंह जी ने पूछा
कि क्या कर रहे हो, जब वो छोटे थे तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। वो बंदूकें नहीं बो रहे थे, लेकिन उनकी भाषा जो है वो ये प्रदर्शित कर रही थी कि वो बड़े होके क्या बनेंगे। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में पिछन जाते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, कुछ लोगों के घर बना के, कुछ गांव में वाटर कूलर लगा के, कुछ गांव में मेडिकल कंटेनर लगा के, कुछ गांव को कंटेनर हाउस दे के, कुछ गांव में स्टेडियम बना के, कुछ एम्बुलेंस चला के एक अस्पताल बना रहे हैं। जो हम आप देखिए अस्पताल कितनी बड़ी चीज है। मांग मांग के लोगों ने, चंदा मांग मांग के जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई, AMU बनाई सर सैयद अहमद खान ने, मदन मोहन मालवीय जी ने BHU बनाई। हम किसी ने आज तक अस्पताल नहीं बनाया। हम 500 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, जिसमें पूरे देश का, ना सिर्फ सिवाल खास का, पूरे देश का आदमी जब उसे कहीं इलाज नहीं मिलेगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वहां के अपना इलाज करा सकता है, पूरे देश का। इसमें हमने बाध्यता भी नहीं रखी, सिवाल मेरठ UP राजस्थान हरियाणा, पूरे देश का कोई भी बीमार बिना पैसे के भी जहां इलाज करा सकता है। इतना बड़ा 500 बेड का अपोलो जितना बड़ा हॉस्पिटल जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, मेदांता को छोड़ दीजिए अगर लखनऊ वाले, तो हम जानी बना रहे हैं। और एक नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट, अमित जानी नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट, जिंदल नेचुरोपैथी की तरह एक बड़ा इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। यानी कि एक ही छत के नीचे मल्टी स्पेशलिटी का मतलब सिर्फ एलोपैथी नहीं होता, यूनानी भी होता है, आयुर्वेदिक भी होता है, होम्योपैथी भी होता है, सब कुछ मिलेगा। 24 तारीख को, 24 हमने इसके लिए लोगों से ईंटें मांगी हैं। देश के हजारों लोगों ने हमें 10 ईंट, 20 ईंट, 50 ईंट, 100 ईंट, किसी ने 10,000, किसी ने 25,000, किसी ने 51 रुपए, किसी ने 5 रुपए, 5 रुपए की ईंट आती है। पूरा देश हमें इसके लिए फंडिंग कर रहा है। हमें लगता है कि पूरा देश मिलकर 10-15 करोड़ की फंडिंग करेगा, 30 करोड़ रुपये हम बैंक से ले लेंगे, 10 की जमीन हमारे पास है, 50-60 करोड़ का बजट है। हम चुनाव से पहले, चुनाव मैदान में आने से, आचार संहिता लगने से पहले वहाँ OPD और इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर OT शुरू कर। अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, जातिगत समीकरण, ये सब चीजें विकास पे, रोजगार पे और आपके डेवलपमेंट पे, इन पे हावी हो जाती है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है धर्म का समीकरण, चुनाव का समीकरण और जातीय समीकरण क्या होने वाला है? उससे फायदा क्या है? अगर जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे वोट दी जाए, उसका फायदा क्या है? देखिए, हमारे यहाँ 2007 से 2012 तक BSP के MLA थे, दलित थे, विनोद हरित नाम था जी। सिवाल विधानसभा क्षेत्र में किसी एक दलित की अगर माली हालत, आर्थिक हालत या सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ हो तो हाथ खड़ा कर दे, मैं विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद में 2012 से 2017 तक जो विधायक, 2012 से 2017 तक जो विधायक रहे वो गुलाम मोहम्मद साहब रहे, समाजवादी पार्टी के विधायक, और मुसलमानों ने इसलिए चुना कि चलो पहली बार सीट आरक्षण से बाहर निकली है, पहली बार कोई मुसलमान विधायक बनेगा। किसी एक मुसलमान को रोजगार मिला हो, किसी एक मुसलमान का काम हुआ हो, किसी एक मुसलमान की सड़क बनी हो, किसी एक मुसलमान को घर मिला हो, क्या फायदा हुआ मुसलमानों को? अब ये चौधरी साहब हैं, वहां पे चौधरी साहब हैं, जितेंद्र सिंह सतवाई BJP से विधायक हैं, जाटों के आज तक उन्होंने 2 काम भी नहीं किए 4.5 साल में, 2 काम गिनती के। थाने के लिए जाओ तो कहते हैं थाने की बात मुझसे मत करो, मैं फोन नहीं करता। ठाकुरों से कहते हैं मैं जाटों के अलावा काम किसी का नहीं करता, जाटों से कहते हैं मैं काम ही नहीं करता। आज तक पूरी विधानसभा लोग, अगर मैं माननीय विधायक जी का फोटो लेके विधानसभा के 134 गांव में होर्डिंग लगवा दूं और उस पर ये लिखवा दूं कि इनका नाम बताने वालों को 100 रुपए का नाम दिया जाएगा, तो 2% लोग भी उनका नाम नहीं बता पाएंगे। इससे बड़ी दुर्भाग्य की और क्या बात है। विधायक बनना और मजबूती से अपनी बात को, जनता की बात को प्लेटफॉर्म पे रखना, काफी अंतर देखा है हमने। ऐसे भी विधायक है जिनकी बहुत थाने चौकियों में सुनवाई नहीं हो रही है, रो रहे हैं सरकार के सामने कि हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं है, विधायक कोई औकात नहीं है, कई वीडियोस ऑडियोस वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, मेरा कहना है कि राजनीति जब इतना प्रभावशाली हमारा एक स्तंभ है तो उसके विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, MPs को, MLAs को बहुत मजबूत होना चाहिए, अपनी जनता की बात प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए, और जाति का तो धार्मिक समीकरण से बाहर चुनाव होना चाहिए, ये सोच के कि अब की बार काम को वोट देना है, कौम और जाति के नाम पे वोट नहीं देना है, काम के नाम पे वोट देना है। और काम वही जो दिख रहा है, जिसका बाप जिंदा है उसे हराम का कौन कह देगा,
जब सड़क पे दिख रहा लोगों को एम्बुलेंस जा रही है किसी मरीज को उठा के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, और जिसको 10,000 रुपए लिए बिना फ्री में अस्पताल तक भर्ती कराने के लिए एम्बुलेंस चली गई, और उसका 50,000 बिल था, 25,000 का बिल अभी जानी ने जाके अस्पताल में करा दिया, भले मुकदमे भी लेने पड़े उसके लिए, अगर फिर भी वो कहता मैं मुसलमान हूँ, मैं तो गुलाम मोहम्मद को वोट दूंगा, तो फिर उसकी उसकी नीयत और उसकी उस पर सवाल उठता है। हम जो है काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इस बार से वालखास विधानसभा, भाई मैं तो ये कहता हूं अपनी हर स्पीच में कि आज तक आपने तमाम ईमानदार कर्मठ युवा मेहनती लगनशील प्रत्याशियों को वोट दिया है। लिखते हैं ना प्रत्याशी पोस्टर पे कि युवा कर्मठ मेहनत मेहनती लगनशील ईमानदार प्रत्याशी को वोट दें, ऊपर से भी लिख देते हैं कि इनकी सफलता में ही आपकी सफलता है जी। तो जब इतने ईमानदार हरिश्चंद्र की औलाद जो यहाँ चुनाव लड़ी है आज तक, जब आपने इन लोगों को वोट दिया है, तो इस बार सिवाल खास ने तय कर लिया है, दिसंबर आते आते बहुत विरोध हो जाएगा तमाम कैंडिडेट्स का, ऐसा भी हो सकता है कि लोग इनको गांव में भी ना घुसने दें। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपके साथ है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।